करने के लिए भाई रमन राम लखन लोहिया जी। धन्यवाद राहुल भाई, आदरणीय मंच और मेरे गांव के सम्मानित और क्षेत्र के सभी सम्मानित और युवा साथियों, गुरुजी के बारे में अभी बहुत बड़े बड़े वक्ताओं ने, हमारे सभी बुजुर्गों ने आपको बताया कि गुरुजी ने किस तरह से समाज में गांव का और अपने समाज का नाम रोशन किया। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को, खास तौर पे युवा साथियों को ये बताना चाहता हूं कि जब भी गांव घिटौरनी का नाम लिया जाता है तो खेलों के मामले में गांव हमेशा बड़ा स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि हमारे यहां पे खेलों को हमेशा से बढ़ावा दिया गया है। हमने जब से होश संभाला है, हम लोगों ने देखा है कि गांव में खेल को बहुत ज्यादा सम्मान की नजरों से देखा गया। गुरुजी ने भी अखाड़ा चलाया था, बहुत पहलवान यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने गुरुजी के साथ जोड़ किया, जिन्होंने उनसे कुछ शिक्षा ली। उनके बाद गुरु रंजीत पहलवान जी ने बड़े लंबे समय तक अपनी जमीन में एक अखाड़ा चलाया और वहां भी बहुत से ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने गुरु रंजीत जी के अखाड़े में जाके शिक्षा ली। साथियों, आप ये बात कभी मत भूलना कि हमारा गांव इस क्षेत्र में पहलवानी के मामले में, खेलकूद के मामले में उच्च स्तर पर रहा। आज जो आज का युवा साथी है, युवा पीढ़ी है, आज वो पढ़ाई में, आज वो व्यापार में, आज वो अगर देखा जाए तो एक आर्य समाज यहां काम कर रहा है गांव में, बहुत बेहतरीन काम जिसे कहा जा सकता है। क्योंकि ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है और मैं खुल के बोलना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जो अच्छा कार्य करते हैं उनके लिए तालियां जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमें जरूरत पड़ती है किसी भी विषय पे बात रखने की या उठाने की, तो आर्य समाज आगे बढ़ चढ़ के वो अपनी बातें रख देता है। मैं गुरुजी के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं जानता हूं क्योंकि हम गुरुजी के सामने बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन जैसे हमने उनकी कहानियां सुनी है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े दंगल जीते और बहुत बड़े बड़े दंगलों में उन्होंने अपना नाम रोशन किया, गांव का भी नाम रोशन किया। ऐसा ही एक वाक्य, एक समय था जब उन्होंने, वो यहाँ अखाड़ा चलाते थे, उन्होंने खुद अपने मुख से ये बात बताई थी। मैं आपके सामने वो बात शेयर करना चाहता हूँ और कुछ लोग उसमें साथ थे जो यहाँ खड़े हैं। उन्होंने बताया था कि एक बार किसी बड़े पहलवान ने दंगल में छुट्टी बोल दी थी, तो जो वहां के बनिया थे उन्होंने गुरुजी से आग्रह किया कि भाई ये पहलवान ने यहाँ दंगल में छुट्टी बोल रखी, अगर आप इसे हरा दो तो आपका बड़ा एहसान होगा हम सब लोगों पर। तो गुरुजी ने कहा कि मैं इसे हरा दूंगा पर मुझे थोड़ा समय चाहिए 6 महीने का तैयारी के लिए। तो उन्हें 6 महीने का जब समय दिया गया तो उन्हें वहां पहुंचने में थोड़ा विलंब हो गया, पहुंचने में थोड़ी कठिनाई हो गई, गाड़ी खराब हो गई थी। कुछ लोग उस गाड़ी में थे जो गुरुजी के साथ थे, वो भी यहां बैठे होंगे एक दो लोग। तो जब वो बनिया, जिस बनिया ने गुरुजी के लिए चैलेंज किया था वहां से कि भाई वो श्यामलाल पहलवान आपको हराएगा आके यहां पे, तो वो उसे ऐसे लगने लगा जैसे कि गुर्जर ने हमें धोखा दे दिया, और वो बड़े मायूस चेहरा लेके अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करने लगा वहां पे कि भाई वो नहीं आएगा। और धीरे धीरे समय निकल रहा था तो गुरुजी ने बताया था कि भाई मैं गाड़ी की, अम्बेसडर गाड़ी थी उसकी छत के ऊपर बैठ गया था और जो मेरी लंगोट थी वो लाल कलर की थी, तो मैं उसे दूर से ही फहरा रहा था, तो कई किलोमीटर, ये दनकौर की बात कर रहा हूं मैं, शायद जिनको मालूम होगा वो बिल्कुल पकड़ गए होंगे इस बात को। तो दनकौर यहां से जब वो भीगने लगे दूर से कि हाँ वो आ रहा है, तो बनिया धीरे धीरे अपनी सीट से ऊपर होने लगा कि हाँ भाई पहलवान आ रहा है। और जब वहां पहलवान जी गए तो पहलवान जी ने वहां एक ऐतिहासिक काम किया और सिर्फ 2 मिनट में वो कुश्ती खत्म कर दी। श्यामलाल जी ने जब भी कोई बात, पहलवान जी के नाम से कितनी उदाहरण है हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं, मेरी इतनी उम्र नहीं है, पर मुझे इस मंच पे बोलने का जो इन भाइयों ने
वो दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और मैं गुरुजी के चरणों में अपने दिल से नमन करता हूं। जय घिटौनी, जय सामलाल पहलवानी।